आगरा से बड़ी खबर, अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए आगरा के सदर सीओ सदर महेश कुमार की नई पहल। सीओ सदर ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के आसपास के टेम्पो चालकों को बनाया पुलिस मित्र, टेम्पो चालकों के साथ खुले विचार के साथ किया संवाद। सीओ सदर ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए टेम्पो चालकों से मांगा सहयोग, टेम्पो चालक मित्रों को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। पर्यटन नगरी में टेम्पो चालकों का बहुत बड़ा रोल, टेम्पो मित्रों के सहयोग से लूट छिनैती टप्पेबाजी और चोरी की घटनाओं पर कुछ हद तक लगा सकता है अंकुश। सीओ सदर इसमें पहले भी मुरादाबाद में भी टेम्पो चालक मित्रों के सहयोग से अपराध और अपराधियों पर लगा चुके हैं अंकुश। इस दौरान सीओ सदर ने पुलिस फोर्स के साथ वाहनों की चेकिंग भी की। सर, किस तरीके आज होटल चालकों से बार तक की गई है? देखिए, जैसा आप जानते हैं ये आगरा शहर है, यहाँ हजारों की तादाद में ऑटो रिक्शा वाले हैं और यहाँ पे आप देखते हैं चेन स्नेचिंग, पर्स छीनना, मोबाइल छीनना और टप्पेबाजी, नशाखोरी करना, लोगों का सामान ले जाना, रेलवे स्टेशन रोड बेचना, अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं। तो इन लोगों का हम सहयोग चाह रहे हैं, उनसे मेरे सीधा संवाद किया कि हम उनका सहयोग करेंगे, पुलिस उनको सहयोग करेगी हर मामले में, वो हमारा सहयोग करें, एक दूसरे के सहयोग से हम एक अच्छी व्यवस्था बना सकते हैं। क्योंकि हजारों की भीड़ में हमसे ज़्यादा ये लोग हैं, हजारों की संख्या में हम अगर ये चाहेंगे हमें सहयोग करना तो ये आराम से हमें बता सकते हैं कि हाँ कौन अपराधी, यहाँ कौन ऐसा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति यहाँ घूम रहा है, ये घटनाएं कौन कर सकता है, कौन कर रहा है, तो हम इनके सहयोग से अपराधियों तक पहुँच सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं और अपने शहर के लोगों को बहुत शांतिपूर्ण जीवन दे सकते हैं, उनको सुरक्षित एक माहौल उपलब्ध करा सकते। किस तरीके समुद्र में लाया आपको चालक? देखिए, मैं तो अभी शहर में बिल्कुल नया आया हूँ, अभी मुझे एक महीना भी नहीं हुआ है। मैंने इससे पहले मुरादाबाद में इनका सहयोग लिया था और बड़ी बड़ी घटनाएं हमने वहाँ खोली थी, जो नशाखोरी के गैंग पकड़े थे, जो चेन स्नेचर थे उनको पकड़ा था, तो मैं जानता हूँ इनकी इम्पोर्टेंस, इनके रोल को जानता हूँ, इसलिए मैंने इनसे वार्ता की, इनका सहयोग की अपेक्षा की।